अकेले ही कबड्डी के मैदान में उतर पड़े वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। कबड्डी खिलाड़ियों को देखते ही मंत्री जी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी मैदान में दो दो हाथ करने उतर गए। जैसे ही उन्होंने खेलना शुरू किया, कुछ लड़कों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें पटखनी दे दी। इसके बाद मंत्री जी उठे और वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए। ये तस्वीरें मल्हारगढ़ विधानसभा के नारायणगढ़ की है, जहाँ सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बच्चों की खेलों के प्रति रुचि बढ़े, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल भावना का गांव गांव में अपार उत्साह रहे और बच्चे खेल के प्रति रुचि बढ़ाए, खेलों में रुचि बढ़े बच्चों की, इसके लिए उन्होंने देश भर के सांसदों का ये निर्देश किए कि खेल सांसद खेल महोत्सव के रूप में ये मनाया जाए और बच्चों में खेल की भावना जागृत की जाए, मैदान में जाए, खेलों के प्रति रुचि बढ़े ताकि वो स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे। तो ये सारी चीजें जब स्वस्थ होगी तो देश हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और इसी कड़ी में आज नारायणगढ़ में भी सांसद खेल महोत्सव का कार्यक्रम था, उसमें आज आने का मुझे अवसर मिला। मैंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए कि वो खेल के प्रति रुचि बढ़ाए और हमारे गांव का, नारायणगढ़ का, प्रदेश का, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज यहां पर कार्यक्रम। आपको बता दें कि मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक और वर्तमान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उम्र 65 साल है। इसके बावजूद भी वो मध्य प्रदेश के सबसे फिट मंत्रियों में शुमार है। मंत्री जी तलवारबाजी में भी माहिर हैं। दशहरा के समय तलवारबाजी के करतब करते हुए उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। फिलहाल मंत्री जी का अब कबड्डी खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट, एमपी तक।